हेलो फ्रेंड्स, सावन टेक्नो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कैसे आप चालू कर सकते हैं, कैसे आप इनेबल कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि आज के समय में सोशल मीडिया अकाउंट को हमें सिक्योर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आए दिन आपको सुनने को मिला होगा कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो दोस्तों हैक कर लिया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप अपना फेसबुक का या फिर इंस्टाग्राम का या फिर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट को सिक्योर बना के रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे करके रखेंगे, उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी फीचर होता है, अगर आप उसे इनेबल करके रखेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो आज मैं आपको वही बताऊँगा इंस्टाग्राम पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे चालू कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगा सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इंस्टाग्राम पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करने के लिए इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो आप एप्लीकेशन पर ओपन कर लीजिए। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। प्रोफाइल वाले बटन में जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लाइन आ गया, यहाँ पे थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब आप सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका अकाउंट कोई भी अगर लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो दोस्तों वहाँ पे आपको एक ओटीपी भेजेगा। उस ओटीपी को एंटर करने के बाद ही उसको परमिशन देगा लॉगिन करने का। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है और एक मोबाइल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको कुछ इस प्रकार से अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ऑफ है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपको चालू करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को सबमिट कर दीजिएगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इंस्टाग्राम अकाउंट पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू कर सकते हैं और आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।